हेलो गुड इवनिंग कैसे हो आप सभी लोग आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे आज हम करेंगे अपना बी सी ओ एस वन एट फोर का यूनिट सिक्स ई बैंकिंग प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने ई पेमेंट की बात करी थी और आज हम ई e बैंकिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे ठीक है तो ई e बैंकिंग क्या है इम्पॉर्टेंस क्या है कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है बैंकिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट इमीडिएट पेमेंट सिस्टम सर्विस ठीक है तो इन टॉपिक्स को हम अभी पढ़ने वाले और बचे हुए टॉपिक्स को हम कब पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे ठीक है तो करते हैं शुरुआत अपने फर्स्ट टॉपिक से ई बैंकिंग क्या होता है ई बैंकिंग जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इसके अंदर क्या होता है कि जितना भी आपका बैंकिंग का काम होता है ना वो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके करते हो या तो आप कंप्यूटर का यूज़ करोगे स्मार्टफोन का यूज़ करोगे तो ये एक वे है किसका बैंक के लिए जहाँ पे आपको सर्विसेज ऑफर दी जा ऑफ़र की जाती है ऑनलाइन ठीक है मतलब जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज होती है वो आपको कहाँ मिलती है आपके फ़ोन में मिलती है ऑनलाइन मिलती है ठीक है और आप एक्सेस कर सकते हो अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो अपने पैसे को कहीं भी आपको बैंक में जाना नहीं पड़ता है निकालने के लिए पैसे के लिए ठीक है आपके पास ऑनलाइन पैसे होते हैं ठीक है तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा क्या हो गया है बैंक द आइडिया केम अबाउट जो ये आइडिया क्यों आया है क्योंकि जो हमारे बैंक है वो क्या करना चाहते हैं अपनी बैंकिंग को इजी बनाना चाहते हैं बहुत ही कन्वीनियंट बनाना चाहते हैं किसके लिए कस्टमर्स के लिए कि लोग उससे कन्वे करें अच्छा लगे लोगों को डेली डेली बैंक कौन जाए है ना उनका एक बैंकिंग का अलग से ऐप होना चाहिए जहाँ से वो पैसे जो भी लेना देना है वो अपने फ़ोन से ही कर ले ती तो एक बी बैंकिंग क्या होता है कि आप क्या कर दो तो अपने आ, उनका फ़ोन का स्मार्टफोन का यूज़ करके अपने अकाउंट बैलेंस को देख सकते हो चेक कर सकते हो मनी को ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे अकाउंट में बिल को पे कर सकते हो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, के इन्वेस्ट कर कर सकते सकते हो हो म्यूचुअल फंड के अंदर बिना बैंक बैंक गए ठीक है मतलब आपको में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है इन सब के लिए आप क्या करते हो पैसे का लेन देन ऑनलाइन कर देते हो ई बैंकिंग बहुत ज्यादा क्या होता जा रहा है पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि ये टाइम को सेव करता है आपको ओ, मतलब जाना नहीं पड़ता है बैंक में सिंपल सी बात है बहुत से लोग जो लेट्स uh, पीपल ये लोगों के लिए बैंकिंग क्या करता है कन्वींट बनाता है और तो और ये कॉम्पिटेटिव भी बनाता है मतलब बैंक्स के बीच में कॉम्पिटिशन रखता है कि हर बैंक चाहता है कि ज्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ से अकाउंट खुलवाए यहाँ से ले जितनी भी सर्विसेज उनको लेनी है और ये ट्राई करता है कि जो बैंक है वो अच्छे से अच्छे सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करे और वो अट्रैक्ट रहे किससे लोगों से कस्टमर से ठीक है तो ये था हमारा ई e बैंकिंग क्या था ये ई e बैंकिंग था अब कौन कौन सी सर्विसेज हमारे ई e बैंकिंग ऑफर की जाती है वो हम देखते हैं पहला होता है सेविंग मनी ई e बैंकिंग के अंदर आपके पैसे के ऊपर निगरानी रखी जाती है कि कितने पैसे आपके अकाउंट में से निकल रहे हैं कितने पैसे आप स्पेंड कर रहे हो कितना पैसा जा रहा है कितना पैसा आ रहा है ये सारी चीजें आप देख पाते हो नोटिफिकेशन आपको आते रहते हैं आप बिल पे कर सकते हो ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक से दूसरे फ़ोन के अंदर दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे बिना कैश के हुए ठीक है मतलब तो आपके पास ऐसा दस का नोट नहीं होता पाँच सौ का नोट नहीं होता आप पाँच सौ रुपये फ़ोन से ही क्या कर देते हो डायरेक्ट उसको पे कर देते हो ठीक है? आप लोन ले सकते हो क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हो यू कैन ऑल्सो ट्रैक हाउ दे आउन द मेक आउ द पेमेंट नोट मतलब आप खुद ही क्या कर सकते हो पूरी पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो और तो और गवर्नमेंट भी बहुत सारी सर्विस जो ई e बैंक है वो क्या करता है ऑफ़र करता है बहुत सी सर्विस जैसे आपको इन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक के अंदर बॉन्ड्स के अंदर इंश्योरेंस लेना है ठीक है रिटायरमेंट सेविंग करनी है या फिर ट्रेडिंग स्टॉक में या बॉन्ड्स में पैसा लगाना है तो ये सारी सर्विसेज़ कौन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो भी हमको क्या

तो किसी का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ता कि बैंक का वो ओपन होगा कैसे खुलेगा अरे खोलो अपना पे, पे और सीधा कर दो पेमेंट ठीक है ये आपके मनी को सेव करता है आपके पास पूरे पैसे होता है कि आपके पेमेंट से आपके अकाउंट में से हज़ार रुपये गए तो आपको पता चलता रहता है यार अब तो दस रुपये बचे ये भी ना चले जाए ठीक है तो आप कम कोशिश करते हो कि देखो भाई इतने पैसे नहीं जाने चाहिए और फीस भी इतना चार्ज भी इसमें नहीं लगता है ट्रांजेक्शन के लिए और ई बैंकिंग जहाँ पे आपका रियल टाइम दिखाया जाता है और मैनेज किया जाता है कि आप अपनी मनी को अच्छे से यूज़ करो ज़्यादा स्पेंडिंग ना करो वही सिंपल सी बात की आपको पता रहता है कि मेरे अकाउंट में से इतना पैसा जा रहा है इतना पैसा जा रहा है यार यहाँ पे भी गया यहाँ पर भी गया ठीक है नोट होते हैं तो पता नहीं चलता ना कब में कब कौन सा नोट ले भाई हज़ार की पत्ती ले भाई पाँच की पत्ती ले ले ऐसे चला आ जाता है ना थोड़ा सा उसको भी बट वही है कि यार ऑनलाइन भी चले जाते हैं बट कहने वाले कहते रहो मोस्ट कन्वीनियंट होता है लोगों को पसंद होता है कि इंटरनेट कनेक्शन करा और कहीं भी किसी को पैसे भेज दिए सिंपल है यार है ना और लॉट ऑफ सर्विस बहुत सी सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कि आप बिल पे कर सकते हो अपने बैलेंस चेक कर सकते हो क्रेडिट कार्ड लोन के लिए अपलाइंग कर सकते हो ठीक है बहुत सी चीज़ें आपको बिना पॉकेट में रखे हुए कि भाई पैसे चोरी हो जाएंगे चोर चोरी कर लेगा तो इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं रहता अपने को एक वो बैसे बस चलो भाई और ई बैंकिंग जो है वो क्या बनाता है कॉम्पिटेटिव बनाता है बैंक के लिए कि अगर आज कोई बैंक जो ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो लोग उसी से ही ज़्यादा वो रहेंगे ठीक है तो दूसरे बैंक भी ट्राई करेंगे कि हम भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो कॉम्पिटिशन को बढ़ाता है और ट्राई करता है लोगों को कुछ नए मिले और बेटर वे सर्व किया जाए ठीक है ज्यादा लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन हो बेटर सर्विसेज हर किसी के लिए दी जाए तो ये होता है हमारा ई बैंकिंग की इंपॉर्टेंस अब हम टेक्नोलॉजीज की बात करें तो मोबाइल बैंकिंग होता है स्मार्टफोन के थ्रू आप अपने बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हो प, आ, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो बिल को पे कर सकते हो इवन डिपॉजिट का चेक भी कर सकते हो ठीक है ऑनलाइन बैंकिंग होता है शॉपिंग shop, कर, कर सकते हो आप ऑनलाइन वही सिंपल सी बात है बैलेंस को चेक कर सकते हो मनी को ट्रांसफ़र करते हो पे भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती है बिना कैश के बिना चेक के आप क्या करते हो अपना ऑनलाइन पे कर देते हो ठीक है और जो बैंक है वो क्या करता है अब आज के टाइम पे ऑनलाइन चेक भी चल रहा है कि आप पिक क्लिक करके वो फिजिकली कोई आपको डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है आप बस पिक क्लिक कर सकते हो अपने चेक का और फिर आपके लिए क्या हो जाएगी आपकी पेमेंट डन हो जाएगी ईजी और फास्टर होता है देन उसके बाद एनालिटिकल डायरेक्ट जो बैंक होता है वो यूज़ करता है कंप्यूटर प्रोग्राम का जिससे वो स्टडी करता है कि कैसे लोग सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं जो कि एक अच्छा लगा था कम बैंक को भी पता चलता रहता है कि लोगों को कितना वो हेल्प कर रहे हैं हमारी सर्विसेज ठीक है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ा डाटा बेस होता है जो कि बैंक को हेल्प करता है कि कस्टमर को कैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है अच्छी की जा रही है कैसी करी जा रही है क्लाउड कंप्यूटिंग एक पूरा डाटा स्टोर करके रखता है इंटरनेट पर मैनेज करके रखता है पूरा डाटा ठीक है और ये काफी फ्लेक्सीबल बनाता है और चीपर बनाता है चीजों को ठीक है तो यही था हमारा टेक्नोलॉजी अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉनिक ये होता क्या है ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बैंक है ठीक है मतलब ये क्या करता है एक वे सॉरी ये एक वे जिससे आप क्या करते हो जो मनी है इलेक्ट्रॉनिक उसे मूव कर सकते हो एक से दूसरे बैंक में ठीक है मतलब ये क्या है ये एक वे है जिससे आप पैसे को एक मेरे अकाउंट से किसी और के अकाउंट में पहुंचा सकते हो ठीक है या आप एक बैंक से दूसरे दूसरे बैंक में पहुंचा सकते हो या एक बैंक से एक ही बैंक में पहुंचा सकते हो ठीक है ये क्या होता है ये यूज़ करता है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को ठीक है और इसके अंदर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो तो कितने टाइप का आपका ई होता है इसके अंदर बहुत सारे मैथड होते हैं एक होता है एन ई -E e जिसको हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं दूसरा होता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट जिसको हम जी जी सॉरी आर टी जी एस बोलते हैं तीसरा होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस जिसको आई एम पी एस बोलते हैं और भी बहुत सारे हमारे मैथड्स होते हैं और ये हर एक मैथड का अपना खुद का फीचर होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है ठीक है ये काम कैसे करता है कि आपको अगर किसी को पैसे भेजना है क्या करना है पैसे भेजना है तो आपको पता होना चाहिए कि इंसान को आप पैसे भेज रहे हो ठीक है पहले तो उसका अकाउंट नंबर पता होना चाहिए उसका नाम पता होना चाहिए उसका इंडियन फाइनेंस इंडियन फाइनेंस इंडियन फाइनेंस सिक्योरिटी आई थिंक सिक्योरिटी कार्ड कुछ ऐसे ही है इसका सिक्योरिटी कार्ड आई एक बार देखना पड़ेगा आई सी एस आई एफ सी एस हाँ इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये कोड पता होना चाहिए आपको और उसका ब्रांच नेम पता होना चाहिए ठीक है तो ये सब आपको पता होना चाहिए फिर आपके बाद आप पेमेंट कर सकते हो तो कौन कौन से फैक्टर है वही है कि अमाउंट ऑफ मनी कि आप कितना पैसा सेंड कर रहे हो वो भी क्या करता है डिपेंड करता है ठीक है और कौन सा मैथड यूज कर रहे हो वो भी होता है टाइमिंग किस टाइम पे कर रहे हो कुछ हमारे मैथड्स होते हैं जो पूरा टाइम वर्क कर करते हैं कुछ ऐसे मैथड्स है जिसमें पूरा टाइम काम नहीं करता है स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप तो कौन से मेथड को यूज कर रहे हो ट्रांसफर करने के लिए तो उसी हिसाब से बैंक तो लगा चार्ज लगाता है कि आप मनी को जितना डिपेंड करता है कि कौन से फैक्टर से आप ट्रांसफर कर रहे हो मनी कुछ लिमिट्स भी होती है कि आप इतना ही पैसे क्या सकते कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो ठीक है अब हम इसी के अंदर पढ़ते हैं एक है हमारा एन ई -E एफ टी अभी हमने देखा ना बहुत सारे इसके अंदर मैथड्स होते हैं टाइप्स ऑफ मैथड ई e एम एफ टी के तो हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को पढ़ते हैं तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये भी एक पॉपुलर वे है किसको मनी को ट्रांसफर करने के लिए एक से दूसरे बैंक में वो भी ऑनलाइन ये काम कैसे करता है जो एन ई एफ टी है ये जो मनी है ना उसको बैच में क्या करता है ट्रांसफर करता है मतलब एकदम से आप नहीं कर सकते हो इसके अंदर आपको एक रिसिप्ट मिलती है कि इस टाइम पर आप क्या कर सकते हो मनी को पहुँचा सकते हो इसके अंदर यह है कि, आ, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है ये वरी करता है लेकिन कुछ बैंक है, जो लिमिट नहीं लगाते है लेकिन कुछ जो बैंक है ना वो लिमिट लगाते हैं फीस के ऊपर कि हम इतना फीस लेंगे और जो फीस होगी वो आपकी आ, कितनी हो सकती है पच्चीस रुपया हो सकती है इतना ही है ज्यादा फीस नहीं होती है ठीक है तो आपका कब काम करता है ये काम जब करता है जब हमारा बैंक चल रहा होता है बैंक वाले काम कर रहे होते हैं ठीक है थीके? बैंक वाले जो इंप्लाइज होते हैं अगर वो काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे ही आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो जब तक बैंक वालों की छुट्टी तो आप भी पैसे इसके अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो रिक्वायरमेंट कौन सी होती है पहले तो रिसिप्ट नेम वही रिसिप्ट बैंक नेम पता होना चाहिए जिसको आप भेज रहे हो पैसे उसका अकाउंट नंबर पता होना चाहिए और उसका इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड पता होना चाहिए ठीक है तो ये सब हमको जरूरत पड़ती है किसी भी इंसान को पैसे भेजने के लिए आगे हम बात करते हैं आई एम पी एस इंटर सॉरी इमीडिएट पेमेंट सर्विस इमीडिएट नाम से पता चल रहा है कि एकदम से आपको क्विक से किसी को पेमेंट करना है तो आप इसके थ्रू इस मैथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो पेमेंट कर सकते हो फास्ट वे होता है किसी भी पैसे को पहुंचाने के लिए चौबीस घंटे काम करता है सातों दिनों काम करता है कि साल में किसी भी दिन काम करना है मतलब रात के आठ बजे करना है चार बजे किसी को आपको पैसे देने हैं तो आप उसी टाइम उसको क्या कर सकते हो पेमेंट कर सकते हो लेकिन हमने पहले वाले में देखा पहले वाले में ऐसा नहीं था तब तक बैंक खुला रहेगा तब तक आप ट्रांसफर कर सकते हो पैसे ठीक है लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता कभी भी आप पैसे दे सकते हो कहीं भी किसी भी टाइम ठीक है इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता और किसके थ्रू आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो मोबाइल फोन के थ्रू कर सकते हो ए मोबाइल फोन इं, आइडेंटिफियर इं, इंटरनेट बैंकिंग सभी का यूज करके आप क्या कर सकते हो ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसे काम कैसे करता है वही सिंपल सी बात है यार तुमको पता होना चाहिए पहला तो तुम के इसके अंदर क्या मिलेगा मोबाइल नंबर आइडेंटिफियर मिलेगा सात नंबर का सात नंबर का एक कोड होगा जो तुम्हारे मोबाइल नंबर पर होगा वो पता होना चाहिए दूसरा आपको जिसको भी हो उसका नाम उसका नंबर उसका अकाउंट नंबर और उसका कोड पता होना चाहिए ठीक है तो ये सब की आपको ज़रूरत पड़ती है किसके अंदर इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम के अंदर तो हमने कुछ पेमेंट्स मेथड की बात करी अब हम आगे यूपीआई के बारे में कब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे ठीक है uh, बहुत ही ईजी था इतना कुछ था नहीं वैसे कुछ मैथड्स है जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा और ये बैंकिंग वही होता है कि ऑनलाइन किसी को पैसे भेजना है सिंपल सी बात यार ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के सो बाय टेक केयर अपना ध्यान रखना ख्याल रखना मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हो अगर कोई दिक्कत विक्कत नहीं है तो मजे करो अब बाय